मैं धीरे धीरे जब रेस दूंगा तो चाल इंजन की अच्छी बनेगी। और मैं अचानक अगर स्पीड में अगर रेस देता हूँ तो इस तरीके से यह दबता है, तो यह कार्बोरेटर की बीमारी होती है। ये होंडा शाइन बाइक का ये कार्बोरेटर है। इस कार्बोरेटर का जो एयर स्क्रू है वो जाम हो गया है, और जाम होके इसका जो मुंह होता है पेचकस पकड़ करने के लिए जो होता है वो चीज़ें ख़त्म हो गई है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने है आपका, ये होंडा शाइन बाइक का कार्बोरेटर है। हमने यहाँ का एक ढक्कन खोल दिया, यहाँ पे जो एयर यहाँ पे जो स्लो जर मैनेजर होता है वो मैंने बाहर निकाल दिया। इसको मैं वॉश भी करना है। गाड़ी थोड़ा सा जब मैं शुरू में रेस देता हूँ तो थोड़ा दब के चलता है गाड़ी, सही तरीके से रेस नहीं बनता है, ऐसा लगता है जैसे कि पानी वगैरह आ गया हो। तो इसके लिए कभी कभी हमें एयर स्क्रू को छेड़ना पड़ता है। ये है एयर स्क्रू। इस एयर स्क्रू को कभी कभी हमें आगे पीछे में घुमाना होता है। तो यहाँ पे इसका जो मुंह होता है पेचकस लगाने के लिए वो ख़त्म हो गई है। तो चलो इसे मैं खोलने की कोशिश करता हूँ और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इसे खोला जा सकता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस चॉक के कनेक्शन को निकाल लेता हूँ बाहर, और ये जो सेंसर है इसे भी मैं आपको बाहर निकाल के दिखाता हूँ, फिर हम इसे खोलेंगे। तो इसे खोलने का तरीका आपको बताते हैं इस वीडियो में। इस तरह के बाइक का ये वाला जो पेचकस आप देख रहे हैं, ये वाला स्क्रू, इस तरह का स्क्रू शायद आपके पास ना हो। अगर आप ये खोलने के लिए अगर टूल्स लेना चाहते हैं तो ये तफारिया कंपनी का आप टूल्स ले सकते हैं। ये देखिए, इसके साथ में सारे चीज़ होता है, पूरा किट आता है, आप ले सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, आप ले सकते हैं इस टूल्स को। बाकी इसका जो बोल्ट वगैरह होता है ये सब खोलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती है। ये बोल्ट काफ़ी टाइट होने की वजह से हम इस पेचकस की मदद से नहीं खोल सकते हैं। तो ये बोल्ट भी आप इस स्क्रू की मदद से आप खोल पाएंगे बहुत ही आसानी से। दोस्तों यहाँ पे हम आरी पत्ती का हम इस्तेमाल करेंगे। इस तरह का आपको आरी का ब्लेड लेना है। मैं आपको खोल कर भी दिखाता हूँ, ये बिल्कुल जाम है। इस पेचकस के ज़रिए से कुछ भी आगे पीछे नहीं हिलता है, क्योंकि जब तक ये पकड़ नहीं बनाएगी तो कैसे हम इसको लूज कर पाएंगे। देखिए इसमें पेचकस लगाने वाला घाट हम बना रहे हैं।
एवर नया आदम कता होता है तो 4000 के लिए रोकड़ा प्लाको टाइट से सरु लागे बर तारे होती होलो लुटती तो इसी तरीके से मैं खोलना है, वीडियो थोड़ा लंबा ना हो जाए इसीलिए मैं इस वीडियो को यहाँ से रोकता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। हमने इसको फिर से कटिंग किया थोड़ी बहुत और इसमें पेट्रोल डाल के जैसे आगे पीछे हम इसको हिलाते हैं तो अब ये लूज हो चुका है। तो गाइस मैंने बहुत कोशिश किया, दो तीन मरतबा हमने आरी पत्ती के मदद से इसको कटिंग किया, यहाँ पे नॉक बनाया इसका पेचकस लगाने के लिए, लेकिन अभी ये जाम चल रहा है ये देखिए। ये इतना टाइट होता है और बस इतना ही लूज होता है, उससे ज़्यादा अगर मैं कोशिश करता हूँ तो ये फिर इसका जो मुँह है वो ख़त्म हो जाता है। वीडियो चालू कर देखिए इस तरीके से हमने इसको खोल दिया। वैसे मुझे काफ़ी समय लगा, हो सकता है आप में इतना ज़्यादा समय ना लगे, तो आप भी कोशिश करें इस तरीके से आप खोल सकते हैं। इसका जो पूरा गुना है ये बचा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो रबड़ लगता है एक वो ख़त्म हो गया, रबड़ लगने वाला जो घाट होता है यहाँ पे हमने इसको बिगाड़ दिया, लेकिन इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाली नहीं है। चलो अब मैं इसका कार्बोरेटर साफ करता हूँ, वापस फिर मैं इसे लगाऊँगा। यहाँ पर ये स्प्रिंग है, इसे खोलना ज़रूरी ये होता है कि अंदर में हो सकता है कोई कचरा वगैरह फंसा हो, उसके वजह से भी
यहाँ पे सही तरीके से एयर नहीं मिलता है और गाड़ी स्टार्टिंग की समस्या बनती है। स्टार्टिंग की भी समस्या बन रही है ये गाड़ी, और साथ में जब स्टार्ट होता है तो फिर धुक 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 जैसा करता है, थोड़ा दम जैसा रहता है, जैसा कि पेट्रोल ख़त्म हो गया हो या फिर पानी आ गया हो कार्बोरेटर में, इस तरह का महसूस होता है। मैं कार्बोरेटर को पूरा क्लीन करके फिर मैं आपको लगा के स्टार्ट करके दिखाऊंगा कि समस्या दूर हुई या नहीं। तो गाड़ी को मैंने कंप्लीट कर दिया, और पहले स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो रही थी, तो स्टार्टिंग प्रॉब्लम दूर हो चुकी है इस गाड़ी की, क्योंकि मैंने उस एयर स्क्रू को एक दो राउंड हमने टाइट भी किया। पहले टाइट लूज कुछ भी नहीं हो रहा था कार्बोरेटर का एयर स्क्रू, और अब ये टाइट लूज होने लगा है, तो स्टार्टिंग की समस्या दूर हो गई। बस एक समस्या रह गई इसमें कि जैसे हल्का रेस देता हूँ तो बीच में से थोड़ा दबता है, और उसके बाद जब फिर थोड़ा ज़्यादा रेस देता हूँ तो फिर सही हो जाता है। ये बीमारी दोस्तों कार्बोरेटर का होता है, कार्बोरेटर जब हम इसका चेंज कर देंगे ये ठीक हो जाएगी। देखिए, अगर मैं हल्की रेस लेकर अगर डायरेक्ट में रेस बढ़ाता रहूँगा तो ये सही चलेगी, और फिर अचानक मैं अगर इस तरीके से देना चाहूँ इस तरीके से तो ये दबने लगता है। तो ये जो बीमारियाँ होती हैं ये कार्बोरेटर की होती है। मैं आपको आवाज़ सुनाता हूँ एक बार, देखिए मैं जब एक्सीलेटर थोड़ा ज़्यादा करके खींचता हूँ तो ये दब रहा है, लेकिन मैं थोड़ी बहुत धीरे धीरे करके अगर मैं एक्सीलेटर लूँगा तो इसकी चाल देखिए अच्छी तरीके से बन पाती है। ये देखना, मैं धीरे धीरे जब रेस दूंगा तो चाल इंजन की अच्छी बनेगी। और मैं अचानक अगर स्पीड में अगर रेस देता हूँ तो इस तरीके से ये दबता है। तो ये कार्बोरेटर की बीमारी होती है, बाकी मैंने इसका बीमारी थोड़ी बहुत सॉल्व कर दिया, यानी कि बहुत ज़्यादा सॉल्व हो गई। स्टार्टिंग की समस्या काफ़ी ज़्यादा हो रही थी ये बाइक।